हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मोजरेला चीज, जो कि आप पिज़्ज़ा में यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजीली हम घर पे बनाएंगे, मार्केट वाली नहीं। आज हम होममेड पिज़्ज़ा चीज़ बनाएंगे। तो ये चीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल क्रीम 3 लीटर दूध लिया है। आप 2 लीटर, 1 लीटर, आपके पास जितना दूध हो आप उतने दूध से बना सकते हैं। और ये जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं, इसके बिना तो पिज़्ज़ा एकदम अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैं आज आपको ये चीज़ बनाना बताऊंगी पिज़्ज़ा के लिए। फिर धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर कर दूंगी किन किन इंग्रेडिएंट से ये पिज़्ज़ा बनाया जा सकता है होममेड। तो आप मेरी सारी वीडियो फॉलो करिए, मेरी पूरा वीडियो वॉच करिए, देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो पसंद आए अगर तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए फटाफट से हम अपनी चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो दूध लिया है, और ये आप ध्यान रखिए कि ये दूध कच्चा ही होना चाहिए। आप एक बात और अच्छे से इग्नोर मत करिएगा, अच्छे से सुन लीजिए। ये आप दूध जब लें तो भैंस का दूध लें, गाय का नहीं लेना है। भैंस के दूध से एकदम एक नंबर की आपकी चीज़ बनकर तैयार होगी। और मैंने यहाँ पे ले रखा है ये वाइट विनेगर, ये देखिए जो मैं यूज करती हूँ। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, सिर्फ 40 रुपये का मिलता है ये। तो आप किसी भी शॉप पर इसे ले सकते हैं, जैसे कि स्टोर पे भी ये मिल सकता है, तो आप इसे मार्केट में इजीली ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं। दूध को मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और आप ध्यान रखिए आपको दूध को बॉईल नहीं करना है। अगर आप दूध को बॉईल कर देंगे तो ये मोजरेला चीज़ के बजाय पनीर बन जाएगी, पनीर या छेना बन जाएगा, फिर चीज़ नहीं बन पाएगी। तो जो आप तलने वाली चीज़ घर पर बनाएँ, आप ध्यान रखें कि जब भी आप दूध लें तो आप दूध इतना गर्म रखें कि जब आप उंगली इस तरीके से डुबाएं अच्छे से साफ़ करके, तो आपको गर्माहट महसूस हो। ये देखिए दूध कितना अच्छा है। दूध को हमें लगातार चलाते रहना है, इसमें मलाई बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें। और ऐसे चलाते हुए हम इसे गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। आप अकेले मान लीजिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं दूध गर्म है या नहीं, फिर दो लोगों की आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हम अकेले से कोई काम करते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो आप किसी और के घर पे हेल्प ले सकते हैं। जब तक दूध हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम विनेगर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए इतनी बड़ी सी ग्लास ले रखी है, और मैं इसमें एक ग्लास पूरा विनेगर निकालूंगी। और पानी हमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप ये मोजरेला चीज़ बनाएं तो आप ये जो विनेगर लें इसे रूम टेम्परेचर पे रख दें, क्योंकि फ्रिज में रखते हैं सभी लोग, रख देते हैं फ्रिज में। तो आप अगर ये जब बनाने जाएँ मोजरेला चीज़, तो इसे 1-2 घंटे पहले इसे रूम टेम्परेचर पर रख दें, और रूम टेम्परेचर वाला ही विनेगर लेना है, तभी आपकी परफेक्ट बन पाएगी ये जो चीज़ आप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक गिलास ले लिया है, देखिए एक गिलास। अब देखते हैं ये कितना यूज होता है और कितना बचता है। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं आपको उंगली डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए उंगली मेरी अच्छे से इसका टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है, तो मैं किसी और की भी हेल्प ले लेती हूँ। मैंने तो डाल कर चेक कर लिया है, अब मैं अपनी सिस्टर की भी हेल्प लेती हूँ, डाल के हम दोनों चेक करते हैं। तो सेम टेम्परेचर हमें लग रहा है, तो इसका मतलब है दूध हमारा गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। दूध को मैंने नीचे उतार कर रख दिया है, और हम पानी को बॉईल कर लेते हैं। पानी को ऐसे हम नहीं बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ पे ले रखी है 1 चम्मच नमक, नॉर्मल नमक, इसे हम डाल देते हैं और पानी को हम गर्म कर लेते हैं। नमक डालने से क्या होगा, जो विनेगर का होता है टेस्ट वो मोजरेला चीज़ से निकल जाएगा। तो पानी को हम गर्म करते हैं और दूध को उधर फाड़ लेते हैं। हमने ये दूध ले लिया है, और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके विनेगर। एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे चलाते रहेंगे। आप इतना ध्यान रखें कि दूध बॉईल ना करें, अगर दूध बॉईल हो गया तो फिर ये चीज़ बनेगी नहीं, आपकी पनीर बन जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें लचकपन जो आता है वो नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिक्स करते हुए फाड़ेंगे दूध को। देखिए थोड़ा थोड़ा हमने इसमें विनेगर डाला है, और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लचक वाली हमारी मोजरेला चीज़ बनने लगी है, कितनी बढ़िया बनी है ना। और जो इसमें पानी निकलता है आपको उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, आप इससे डो लगा सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, या तो कोई सब्ज़ी की ग्रेवी बना सकते हैं। देखिए कैसे स्पून में लगने लगा है। तो विनेगर देखिए सारा हमने
यूज नहीं किया है, इतना विनेगर हमारा बच गया है। तो अब हम सारे अपने चीज़ को एक साइड करके इसे निकाल लेते हैं। इतना ठंडा है कि मैं इसे हाथ से ही निकाल सकती हूँ। ये देखिए, इसको हम सारा ऐसे निकाल लेते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि दूध कितना हमने ठंडा रखा था, उतना आपको भी रखना है। ये देखिए, हमें ऐसे पानी को निचोड़ देना है और हाथ आप अच्छे से साफ़ करें। देखिए, ऐसे आपको सारा निकाल देना है जो इसमें पानी एक्स्ट्रा हो। और अब हम ले लेते हैं साफ पानी। आप हाथ को अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि हमें इस पानी को फेंकना नहीं है, यूज़ करना है, इसीलिए हाथ अच्छा खासा साफ होना चाहिए। मैंने ये नॉर्मल पानी ले लिया है, और आप नॉर्मल पानी में इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करें। इस तरीके से फैला फैला कर हमें इसे धुलना है, ऐसे करना है। देखिए, आपको सेम यही प्रोसेस करना है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को देखते जाइए और मैं क्या कहती हूँ ये भी समझिए। तो 2 से 3 पानी से हम इसे धुल लेते हैं। हमने अपनी चीज़ को 2 से 3 पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया है, नॉर्मल सिंपल पानी से। अब हम ले लेते हैं नमक वाला पानी जो हमने गर्म करके रखा था। तो अपनी चीज़ को हम उठाएंगे और इसमें इस तरीके से डाल देंगे। और पानी हमें थोड़ा सा गर्म ही लेना है, तो इसे हम अलट पलट के इसको अच्छे से इसमें धुलेंगे। आप जब गर्म पानी में ये डालें बॉल चीज़ वाली, तो आप लगातार चलाते रहें, वरना ये नीचे चिपकने लगेगा। तो आप इस बात का एकदम ध्यान रखें कि जब डालें तो इसे ऐसे ही चलाते रहें जैसे मैं इसे चला रही हूँ। इससे क्या होगा, जो विनेगर वाला टेस्ट है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल मार्केट वाली हमारी चीज़ बनकर तैयार होगी। बहुत ही प्यारी सी होममेड चीज़। तो ऐसे ही हम इसे गर्म पानी से भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं। हमें इसे गर्म पानी में इस तरीके से फैला फैला कर साफ करना होगा, तभी इसमें लचक आएगी। इस तरीके से देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे। आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एकदम होममेड आपकी मोजरेला चीज़ घर पे तैयार हो जाएगी। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से गर्म पानी में धुलने के बाद फैला फैला कर धुला था, और धुलने के बाद ये देखिए कैसा हो गया है। मैंने इसे बॉल का शेप दे दिया है। आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बॉल के आकार में आ जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे आप भी बना सकते हैं। और ध्यान रखिए, गर्म पानी में इसे धुलने के बाद आपको ठंडा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। अगर ठंडा पानी डाल देंगे तो इसमें जो लचीलापन है वो लचीलापन ख़त्म हो जाएगा, इसकी लचक। तो अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, 1 घंटे रखेंगे तो थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप 1 से 2 घंटे रख दें और फिर जब मन चाहे जब इसे यूज करें। मैंने एक टिफ़िन ले ली है और टिफ़िन में मैंने अपने इस चीज़ को डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। तो इसे अब हम रख देते हैं फ्रिज में। फिर इसे सेट होने के बाद हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, और हमने टिफ़िन में रखने के बाद जब फ्रिज में हमने रखा था तो हमने इसे पॉलिथीन में डाल के कवर कर दिया था। और ये देखिए कैसी हमारी चीज़ बनकर तैयार हुई है। देखिए बहुत ही प्यारी सी है, पास से देखिए। और टिफ़िन में रख दिया था इसलिए ये ऐसे चपटी सी हो गई है। तो अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ नाइफ से। इस तरीके से आपको ग्रेट नहीं करना है। आप ध्यान रखिए, जब भी आप किसी चीज़ में यूज करें तो आप उसे कट करके डालें, एकदम बारीक कट करें। रेड जो आप इसे अगर ग्रेट करके डाल देंगे तो वो लचीलापन नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप कट करके ही डालें, बहुत प्यारा लचीलापन आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे पीसेस कट कर तैयार हुए हैं। और अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसमें कितना लचीलापन है। ले लेते हैं ब्रेड। मैंने ये ब्रेड ले लिया है, और अब हम इसमें इस तरीके से देखिए ऐसे इसे रख देते हैं। मैं 2 रखूँगी, ऐसे रखना है हमें। और ऊपर मैं एक और ब्रेड रख देती हूँ। इसे मैं आपको तवे पे सेक के दिखाती हूँ कि हमारे मोजरेला चीज़ में कितना लचीलापन है। तवे को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और ब्रेड के ऊपर हमने चीज़ भी देखिए अच्छे से लगा दी है। तो अब हम थोड़ा सा इस तरीके से इसके ऊपर
डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप बटर भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और डालने के बाद हम रख देते हैं इसके ऊपर ये ब्रेड जिसमें हमने चीज़ लगा के रखा है इस तरीके से, और इनको हम थोड़ी देर अलट पलट के पका लेते हैं। वैसे तो मैं आपको ना दिखाती बट आप बिलीव ना करते, इसीलिए मैं आपको ब्रेड में यूज करके दिखा रही हूँ चीज़ को। अब हम इसे पलट देते हैं दूसरी साइड होने के लिए इस तरीके से, और दूसरी साइड भी हम अच्छे से सेक लेते हैं ब्रेड को। ब्रेड हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इन्हें हम एक प्लेट पे रख लेते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ब्रेड को, कितना प्यारा हमारा चीज़ तैयार हुआ है बनकर इस तरीके से। दो टुकड़ों में हमने ब्रेड को कट कर लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप खूब अच्छे ध्यान से देखिएगा, इसकी लचक देखिए आप। ये देखिए, ये चीज़ है हमारी, कितनी प्यारी हमारी मोजरेला चीज़ बनी है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार, देख रहे हैं ना आप कितनी प्यारी लचक है इसमें। तो आप एक बार इस मोजरेला चीज़ को ज़रूर बनाएं घर पर, ट्राई ज़रूर करें। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को हमेशा लाइक किया करिए मेरी वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।